तो रेंटल रूम से रेंट कितना लेते हैं? तो ये मेरे दोस्त रेंटल रूम्स में रहते हैं, आपको पूछ के बताता हूँ। फ्लैशबैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड द व्लॉग। वीडियो एंड द व्लॉग कुछ भी हो, लेकिन ये वीडियो भी है, व्लॉग भी है, तो इसमें बात करेंगे हम लोग। गाइस, एक बंदा मेरे को पूछ रहा था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि गैंगटॉक में रूम का रेंट कितना है, स्टूडेंट के लिए इधर कितना खर्चा लेते हैं, स्टूडेंट का महीने में कितना आता है खर्चा स्टूडेंट एक स्टूडेंट का। तो पूछ रहा था मेरे को एक बंदा, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में एंड व्लॉग भी बनाएंगे। गाइस, अभी बज रहा है 6, मैं अभी उठा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, 7:30 हो रहा है। तो गाइस, अभी मैं मुंह धो के मेरे को कॉलेज पहुंचना है, तो कॉलेज पहुंचते पहुंचते बात करेंगे, ठीक है? हम लोग कॉलेज जाते जाते, और मेरा ये शॉर्ट सूख रहा है इधर में, तो पहले तो मैं मुंह धोऊंगा, कपड़ा लगाऊंगा और जाएंगे कॉलेज। तो लेट्स गो। तो गाइस, अभी बात करते हैं, चलते चलते कॉलेज जाते जाते। तो क्या है कि इधर गैंगटॉक में रेंटल जो रूम्स है वो बहुत महंगा हो चुका है। लाइक आपको 1 आवर के चाहिए तो आपको 3,000-4,000 रुपये में लगभग नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन लगभग नहीं मिलेगा, मोस्ट केसेस में नहीं मिलेगा। 3,000-4,000 में तो मिलने से रहा, क्योंकि इधर में बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है 3,000-4,000 रुपये का रूम मिलने में। मिलता है लेकिन रेयरली मिलता है, उसमें प्रॉब्लम होता है पानी का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो वैसा होता है। आपको 1 BHK चाहिए तो आपको रोड साइड में चाहिए तो बहुत महंगा मिलता है, लाइक 8,000 में 7,000 में मिलता है, उसके अब में मिलता है टॉपर लाइन में। तो क्या है कि आप लोग कभी भी इधर गैंगटॉक में रूम खोजना है या फ्लैट खोजना है तो आप 1 महीने पहले ही आ जाइए गैंगटॉक में। आने से आपको इधर में पता चलेगा कैसे रूम खोजते हैं। आपका कोई दोस्त है गैंगटॉक में या आपका कोई रिलेटिव है गैंगटॉक में तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि रूम खोज दें, तो वो लोग खोज देंगे, ठीक है? तो इधर में इजी सेल्टर नाम करके एक कंपनी भी है जो आपके लिए रूम खोज देता है, लेकिन उसको 40% आपका टोटल रेंट अमाउंट का पे करना पड़ता है, 1 टाइम पेमेंट होता है, तो ऐसा है। तो अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज जल्दी जा रहा हूँ, क्लास 11 बजे, अभी बज रहा है 9:15, मेरे को 9:30-10 बजे तक कॉलेज पहुँचना है, क्योंकि कॉलेज फेस्ट आने वाला है ना, तो फेस्ट के लिए नाम देना है। मुझे भी थोड़ा गाने का शौक है, तो देखते हैं क्या होता है। आज ऑडिशन है, तो कोई नहीं पास हुआ तो कोई नहीं, फेल हुआ तो कोई नहीं, यार हार जीत तो होती रहती है लाइफ में। तो चलते हैं मेरे साथ आज कॉलेज में, और बात करता रहूँगा रेंटल रूम्स के बारे में, तो देखते रहिएगा। तो जो 2 BHK और 3 BHK और 1 BHK होता है वो फ्लैट प्रीफर करता है कि आप कौन से लोकेशन में खोज रहे हैं। लाइक वो होता है ना, लाइक आप रोड साइड में खोजेंगे तो आपको और महंगा मिलेगा, लेकिन आप रोड साइड में ना खोजते हुए थोड़ा नीचे ऊपर, लाइक रोड से थोड़ा डिस्टेंस में खोजेंगे तो थोड़ा कम पड़ सकता है, वैसा है अब गैंगटॉक में। लेकिन यार इधर गैंगटॉक में रेंटल बहुत महंगा है। तो गाइस, मेरे को कुछ नहीं पता रूम्स के बारे में इतना, क्योंकि लाइक स्टूडेंट लाइफ का क्या क्या एक्सपेंसेस होता है मंथली, वो नहीं पता है मेरे को, दोस्त लोग को पता है तो उन लोगों से पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं खुद नहीं रहता, मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो उन लोगों के साथ रहने से मेरे को उतना नहीं पता है कि मंथ में एक स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है। तो मेरे दोस्त लोग से पूछते हैं जो रूम में रहते हैं, ठीक है? तो चलते हैं गाइस कॉलेज की तरफ। और मैं गैंगटॉक के दिन के आज की थर्सडे की बात करूँ तो आज थर्सडे गैंगटॉक में ऐसा है, वेदर पूरा सफ़ेद है, काम धूप तो नहीं लगेगा। ये हमारा बस है गैंग, गवर्नमेंट बस, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का, इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 15 minutes later तो मैं कॉलेज पहुंचने वाला हूँ। और क्या है कि मेरे को थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैं इधर शॉर्टकट से आ गया कॉलेज के, शॉर्टकट से सीधा कॉलेज पहुंचते हैं कॉमर्स वाले सेक्शन में। तो मेरे को पहले जाना है ऑडिटोरियम, और उधर पहुँच के अपना नाम देना है सिंगिंग, सोलो सिंगिंग के लिए। चलते हैं गाइस ऑडिटोरियम में। ओए यार लेट हो गया, 9:30 को आना था। चलते हैं यार सीधा ऑडिटोरियम की तरफ। A few minutes later. तो मैं ऑडिटोरियम पहुंचने वाला था, लेकिन ऑडिटोरियम अब तक खुला नहीं है, तो मेरे को रास्ते में मिल गया उदय सेट्टी। Yes, yes sir. Wait a minute. Who
you? Control, Uday bhai. Control. Control, Uday. तो अभी जा रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ. तुम गाओगे? नहीं, मैं नहीं गाऊंगा. ये भी अच्छा गाता है, मेरे को पता चला. तो ऑडिटोरियम के बारे में वेट करते हैं गाइस. ठीक है. यस ब्रदर, ये हम हैं और ये पार्टी हो रही है. सही है, सही है. तो चलते हैं ऑडिटोरियम की तरफ. इधर में जो कि उधर में ऑडिटोरियम, तो उधर में वेट करना पड़ेगा. A few minutes later. तो अभी हैं हम ऑडिटोरियम के अंदर में और ये देखिए हम लोग ऑडिटोरियम के अंदर में हैं. ये हमारा ये स्टेज है और ये बैठने का गैलरी है. गैलरी बोलते हैं ना, गैलरी बोलते हैं. देख सकते हैं आप लोग, अभी स्टूडेंट बहुत कम हैं. इधर में लड़कियाँ हैं, तीन जन. मेरे लिए एक मजाक कर रहा हूँ, लड़कियाँ मारेंगी मेरे को. वो अभी बैनर लगा रहे हैं उधर में सीनियर लोग. Inspire 2021. लेकिन ये मस्ती होगी मंडे को, क्योंकि अभी आज एडिशन है. ऑडिशन. तो वेट करते हैं सबका, अभी आ रहे हैं. तो मेरे दोस्त लोग आ गए हैं थप्पड़ मारते हुए. ये बोका महाराज हैं, ये खड़का महाराज हैं. बोकी नहीं हुई, बाकी है बाकी. भैया सुनो सुनो. お前はもう死んでいる。तो क्या है कि लोग भी गाने वाले हैं. तो ये तेरे को देखते हैं तो इतना लाइन है. अंदर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज गाना गाने के लिए. ये दो स्टॉप है मेरा गाना गाने में. पालदेन लेप्चा, इसका चैनल भी है यूट्यूब चैनल पालदेन लेप्चा नाम करके. आपको क्रिश्चियन, आपको क्रिश्चियन सॉन्ग्स पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. नाम पालदेन लेप्चा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा. ठीक है. Minutes later. A few minutes later. तो जो मेरा ऑडिशन था वो हो चुका है. और यार इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ. ये लोग मेरे दोस्त हैं, अभिषेक, विजय, मेरे क्लास में हैं. तो वो देखिए पीछे कैसा है पहाड़ का व्यू. अच्छा है, बहुत अच्छा है. ये कसम से यार बहुत अच्छा दिख रहा है इधर से. हम लोग ये ऑडिशन का एंडिंग में आ चुके हैं. ऑडिशन उधर में हो रहा है ऑडिटोरियम में. तो गाइस आप लोग पूछ रहे थे कि रेंटल रूम कितना लेते हैं रेंट. तो रेंटल रूम से रेंट कितना लेते हैं, तो ये मेरे दोस्त रेंटल रूम्स में ही रहते हैं. आपको पूछ के बताता हूँ. तुम लोगों का रेंट कितना है? मेरा 5000. कितना रूम है? दो रूम है. मतलब कि वन रूम वन किचन. वन किचन कितना?
और अंदर में अटैच वॉशरूम नहीं, बाहर बाहर है, मतलब कि कम्बाइन वॉशरूम में 5,000 है। देखिए गैंगटोक में रेंटल रूम्स का इतना ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं रेंज है कि कसम से यार। तुम्हारा कितना है? 5,500। कितना है रूम? सिंगल रूम है, किचन भी वहीं पर, बाथरूम सेपरेट। ये देखिए बोल रहा हूँ गैंगटोक में इतना रेंटल हाई है कि क्या बताऊँ गाइस आपको। तो आप लोग इधर गैंगटोक में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यार एक महीने पहले ही आ जाइए, अच्छा रूम ढूंढिए। आपके पास मैं ऑप्शन छोड़ दूंगा वीडियो के एंड में, क्या क्या कर सकते हैं आप लोग रेंटल रूम्स के लिए, तो देखते रहिएगा। अभी मैं घर जाऊंगा और ख़त्म होने के बाद सब देखना है यार, अच्छे से मज़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो देखते रहिएगा गाइस। तो भाई लोग क्या है कि आप लोग गैंगटोक में कॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो रेंटल रूम का आपको पता चल गया कितना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका एक्सपेंसेस होगा राशन का एंड ऑल, उसका आपका लगभग पड़ेगा, आपको थोड़ा कम कुछ भी में चलेगा, कुछ भी मतलब कि थोड़ा कम नहीं चलेगा तो 2-3 हज़ार आ सकता है एक्सपेंसेस महीने में। नहीं तो आपको थोड़ा हाई स्टैंडर्ड मीडियम स्टैंडर्ड में चाहिए तो 5-6 हज़ार आ सकता है महीने में एक्सपेंसेस, राशन हो गया, सिलेंडर का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, तो 5-6 हज़ार आ सकता है महीने में मीडियम में। तो गाइस आप गेस कर लीजिए आपका रेंट अमाउंट प्लस 6-5 हज़ार। तो ऐसा है गाइस, अभी आप 5,000 रूम में रहेंगे तो आपका एक्सपेंसेस मंथली 5,000 आएगा तो 10,000 हो सकता है, वैसा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर घर पहुँच के आपको मैं बताऊँगा कि आप गैंगटोक में रेंटल रूम कैसे ले सकते हैं। तो घर चलते हैं, अभी मैं दोस्तों के साथ लौट रहा हूँ अपने घर में, शॉर्टकट से जा रहा हूँ ऊपर, और अभी बज रहा है 3:11, तो हम घर लौट रहे हैं, तो मेरे घर में जाके बात करेंगे। मैं आप लोगों को रास्ते में जाते हुए बता देता हूँ कि आप गैंगटोक में घर कैसे ढूंढ सकते हैं, रेंटल रूम्स या फ्लैट्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो गाइस घर में बताने वाला था घर पहुँच के, लेकिन घर में अभी बहुत हल्ला होता है तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहता। तो इधर भी बता देता हूँ, रास्ते में चलते चलते मेरा आपसे बात भी हो जाएगा। तो क्या है कि आप लोग मेरे दिमाग में जो जो आएगा वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह है गैंगटोक में तो उन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि किधर क्या तुम्हारे आसपास में रूम वगैरह खाली है, तो नंबर वन ये हो गया। नंबर टू आपका कोई रिलेटिव हो गया, आपका कुछ फैमिली वगैरह हो गया इधर गैंगटोक में, तो आप उन लोगों को आप उन लोगों के साथ भी रह सकते हैं। नहीं तो आपका खुद आपको खुद अपना रूम चाहिए तो उन लोगों को भी ढूंढने को बोल सकते हैं। और नंबर थ्री में हो गया पीजी वगैरह, पीजी में भी रह सकते हैं इधर गैंगटोक में। पीजी वगैरह भी रोड के पास में होगा, थोड़ा महंगा होगा, कितना महंगा मतलब कि 6-7 हज़ार हो सकता है, लेकिन आपका कोई कोई पीजी होता है 5,000-4,000 का, तो उसमें आपको खाना वगैरह मिल जाता है। और गाइस मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नंबर फोर्थ में आप क्या कर सकते हैं कि इन सब से हट के बॉस तुम लोग इधर गैंगटोक में इजी सेल्टर नाम करके एक कंपनी है, वो लोग आपके लिए रेंटल रूम्स हो गया, फ्लैट्स हो गया वो खोज देते हैं। उसमें थोड़ा चार्जेस लगता है, पे करना पड़ता है। आप लोग अगर थोड़ा सा पे कर सकते हैं एक अच्छा वाला रेंटल रूम के लिए, एक अच्छा वाला फ्लैट के लिए, तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार थे मेरे दिमाग में आया हुआ आइडिया गैंगटोक में रूम खोजने के लिए। तो आपका कुछ आइडिया है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। मेरी दुकानदार आंटी भी इधर ही है, हमारा रेंटल ओनर। तो आंटी ब्लॉग बनाता है, आ रहा हूँ। हमारी आंटी जी इधर भी दुकान है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। और गाइस
आप लोग दोस्त लोग को भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, उन लोगों को बताने के लिए कि गैंगटॉक में कैसे रूम खो सकते हैं। और गैंगटॉक में मज़ा आता है यार, यार आप लोग मणिपाल में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं उधर में एडमिशन ले सकते हैं। तो यस गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।